प्यारे बच्चों, सुप्रभात। क्या आप जानते हैं कि जब आपको कोई कुछ देता है तो आपको उसका धन्यवाद करना चाहिए। जिस प्रकार ईश्वर की दी हुई अनमोल देन हमारा शरीर, जो हर समय हमारे लिए कुछ ना कुछ करता रहता है, उसके लिए भी हमें आभार प्रकट करना चाहिए। ईश्वर जो सर्वव्यापी अर्थात सब जगह रहने वाले हैं, वे इस शरीर में ही वास करते हैं। तो क्या हमें इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रयत्नशील नहीं होना चाहिए? जी हाँ, जिस प्रकार हम मंदिर को स्वच्छ एवं सुंदर रखते हैं, उसी प्रकार हमें अपनी काया को भी स्वस्थ एवं सुंदर रखना चाहिए। तो चलिए, आज हम अपने शरीर के विभिन्न अंगों का धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान मुद्रा में अपनी आंखें बंद करके बैठ जाएं। लंबी सांस लें और आसपास से आने वाली सभी ध्वनियों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। धीरे धीरे इन आवाजों से परे अपनी सांस के अंदर बाहर जाने की प्रक्रिया का ध्यान करें। हमारे शरीर का गुरु, हमारा आदेशकर्ता, हमारा मस्तिष्क, जो हमें हर कार्य करने में सक्षम बनाता है, आज हम इसे धन्यवाद करते हैं। हमारा रोम रोम हमारे मस्तिष्क का आभारी है। हम इसे स्वस्थ रखने के लिए दिन रात प्रयत्नशील रहेंगे। हम नेगेटिव भाव को पॉजिटिव भाव में बदल देंगे। अब आगे बढ़ते हुए हम अपना ध्यान अपनी दो आँखों पर केंद्रित करते हैं। संसार की सुंदरता हम अपनी बंद आँखों से भी देख सकते हैं। हम अपनी आँखों को धन्यवाद करते हुए ये प्रण करते हैं कि हम कभी किसी का बुरा होते नहीं देखेंगे, और एक ऐसे संसार की कल्पना करते हैं जहां सब एक दूसरे के सहायक हों। आँखों की सीध में हमारे दो कान, जिनसे हम सृष्टि की विभिन्न आवाजों को सुन पाते हैं, इनको धन्यवाद करते हुए यह संकल्प लेते हैं कि हम कभी किसी की बुरी बात को नहीं सुनेंगे और बुराई का भागीदार नहीं बनेंगे। हमारे जीवन में श्वास का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि हमारे पास गिनती की ही सांसें होती हैं। हमारा नाक और लंग्स हमें सांस लेने में मदद करते हैं। आइए हम अपनी नाक और फेफड़ों का धन्यवाद करें। शुक्रिया। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम जितनी भी सांसें लें, ईश्वर का नाम एवं स्मरण करते हुए लें। अब हमारे शरीर का एक और महत्वपूर्ण अंग, हमारी जिह्वा यानी जीभ। बोली एक अमूल है, जो कोई बोले जानी। हिये तराजू तौली कै, तब मुख बहरानी। अर्थात हम जो भी बोलते हैं उसे नाप तोल कर बोलना चाहिए, क्योंकि धनुष से निकला बाण और जुबान से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। हम अपनी जीभ का धन्यवाद करते हुए यह संकल्प लेते हैं कि हम कभी किसी के लिए अपशब्द नहीं बोलेंगे। आगे बढ़ते हुए हम अपने मन की आँखों से अपने हाथों को धन्यवाद करते हैं, जो हमें हर कार्य करने में सक्षम बनाते हैं। हम दोनों हाथों को जोड़कर संभाव रखते हुए सदा विनम्र रहें और माता पिता के आज्ञाकारी बने।
दिन रात बिना रुके बिना थके जो कार्य करता है वह है हमारा दिल यानी कि हार्ट। आइए हम अपने हृदय को उसकी कार्य निष्ठा के लिए धन्यवाद दें और उसके स्वस्थ रहने की कामना करें। भूख हम सबको लगती है, खाना खाकर उसकी ऊर्जा हमें कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है। अब हम अपने पेट को सभी अच्छे बुरे भोजन को पचाने और ऊर्जा प्रदान करने के लिए धन्यवाद करते हैं। हम संकल्प करते हैं कि हम हेल्दी खाना ही खाएंगे और जंक फूड को त्याग देंगे। अंत में अपना ध्यान अपनी टांगों तथा पैरों पर केंद्रित करते हुए उन्हें धन्यवाद करते हैं जो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में सहायता करते हैं और हमारी बॉडी का भार भी संभालते हैं। बिना इन सब अंगों की सहायता के हम एक सामान्य और खुशहाल जीवन जीने में असमर्थ हैं। अब धीरे धीरे अपनी आँखों पर अपने हाथ मलते हुए आँखें खोलें और आसपास की सभी वस्तुओं को भी शुक्राना करेंगे। धन्यवाद।